बच्चों केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत हमने कई प्रकार के माध्यों की गणना सीखी हमने देखा कि विभिन्न श्रेणियों के माध्यों की गणना कभी हम मीन यानी कि माध्य के आधार पर कभी माध्यिका यानी मीडियन और कभी मोड यानी कि बहुलक के आधार पर ये जो प्रतिनिधि मूल्य होते हैं जो माध्य होते हैं उनकी गणना हम करते हैं वास्तव में ये जो प्रतिनिधि मूल्य होते हैं वो किसी श्रेणी का कितना प्रतिनिधित्व करते हैं ये एक सोचने वाली बात है हमने मीन मीडियन मोड के कैलकुलेशन तो कर ली विभिन्न श्रेणियों के आधार पर हमने उनके अलग अलग कैलकुलेशन की लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि इनका जो प्रतिनिधि मूल्य है यानी जो माध्य हमने ज्ञात किया है वो वास्तव में उस श्रेणी का कितना प्रतिनिधित्व करते हैं जिस श्रेणी से वो लिए गए हैं नहीं तो अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि ये जो प्रतिनिधि मूल्य या मीन मीडियन मोड हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये वास्तव में अपनी श्रेणी का कितना प्रतिनिधित्व तो करते हैं इसे और अधिक अच्छे से समझने के लिए हम इसको कुछ इस प्रकार परिभाषित भी कर सकते हैं कि सांख्यिकी के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से श्रेणी के विभिन्न मूल्यों की औसत दूरी यहाँ पर हम औसत दूरी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर माध्य के आधार पर ही आ, जो प्रतिनिधि मूल्य होता है उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो औसत दूरी को मापने की विधि को ही हम अपकिरण कहते हैं जिसे हम कई बार परिक्षेपण कहते हैं विक्षेपण कहते हैं या इसे ही हम विचलन की माप भी कहते हैं तो क्या है विचलन की माप इसको और अच्छे से जानने के लिए एक उदाहरण देखते हैं मान लीजिए एक श्रेणी या सीरीज में कुछ अंक दिए गए हैं थ्री फाइव सेवन सिक्स फोर यहाँ हम देख रहे हैं कि पांच अंक हमें दिए गए हैं अगर हम इनका एवरेज निकालते हैं औसत निकालते हैं तो क्योंकि हमको स्पष्ट दिख रहा है कि इंडिविजुअल सीरीज है ये तो सिंपल सा हम इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन n अब n की नंबर ऑफ स्टेप जो है पद जो है वो कितने हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं फाइव नंबर है हमारे पास यानी कि n इक्वल टू फाइव है तो फार्मूला लगा के अगर हम इसका मीन निकालें तो एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन के आधार पर हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस सिक्स प्लस फोर यानी कि और एन अपॉन एन है तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाइव अब हम जिसकी कैलकुलेशन करेंगे आगे तो हम देखेंगे कि ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉन फाइव यानी कि फाइव तो यहाँ पर हमको जो एक्स बार यानी कि मीन मिला है वो मिला है फाइव अब देखते हैं कि ये जो फाइव है ये इस श्रेणी के पूरे मूल्य का कितना प्रतिनिधित्व तो करता है या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बिखराव कितना है और से दूरी कितनी है जैसे हम देखते हैं कि पहला जो हमारा नंबर है इस सीरीज में वो है थ्री तो थ्री माइनस फाइव हम करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि टू का डिफरेंस है और वह माइनस टू का डिफरेंस है वैसे ही हम यहाँ पर फाइव देखते हैं तो वो तो बिल्कुल फाइव के करीब ही है जीरो यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं है बहुत करीब है यानी कि अच्छा वो प्रतिनिधित्व तो इस श्रेणी का कर रहा है उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सेवन माइनस फाइव तो यहाँ पर टू का ही डिफरेंस है फिर हम देखते हैं सिक्स माइनस फाइव तो यहाँ पर जो वेरिएशन है इसका सिर्फ वन का है लास्ट जो नंबर हम देखते हैं फोर माइनस फाइव तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि माइनस uh, वन का ही यहाँ पर हमको वेरिएशन देखने को मिल रहा है तो अंतर जो होता है वो अलग अलग होता है लेकिन फिर भी आपस में जो डिफरेंस होता है अंतर का वो बहुत कम होता है जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं वन का डिफरेंस है कहीं पर टू का है कहीं ज़ीरो है बिल्कुल डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पर जब ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि जो हम मीन या जिसे हम कह सकते हैं कि केंद्रीय मूल्य जो हमने यहाँ पर निकाला है उसका इस पूरी श्रेणी से जब हम औसत दूरी कैलकुलेट करते हैं तो जितनी कम दूरी होगी हम ये मानेंगे यानी कि कह सकते हैं कि जितना कम डिफरेंस होगा तो हम ये मानेंगे कि ये जो हमने एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो इस पूरी श्रेणी का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहा है और अगर दूरी ज़्यादा है तो ये मान लिया जाएगा कि जाएगा। बहुत ज़्यादा विचरण है यानी कि कम प्रतिनिधि कर प्रतिनिधित्व कर रहा है या फिर प्रतिनिधित्व जो है वो बिल्कुल नहीं कर रहा है काफ़ी दूरी जो है वो काफ़ी बनी हुई है तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रतिनिधि मूल्य होता है उसका श्रेणी की बाकी संख्याओं से विचरण कितना है अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसको दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं पहले बिंदु के आधार पर हम इसकी दो विशेषताओं को देखते हैं पहला तो ये कि ये जो अपकिरण होता है इससे तात्पर्य मतलब इसके मीनिंग ही हम ये निकालते हैं कि ये जो है समंक श्रेणी के सीमांत मूल्यों का अंतर है जैसे हमने अभी अंतर निकाल कर देखा दूसरा हम इसके बारे में कह सकते हैं कि दो सीमाओं का अंतर बताता है जिसके अंतर्गत ये सारे पदमूल्य जो हमने देखा थ्री से लेकर आ, फोर तक के जो स्टेप हमने देखे वहां पे हमने देखा कि इनके अंतर को वो बताता है और दूसरी बात अगर हम देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि ये औसत दूरी को बताता है कि वास्तव में हमने जो एवरेज निकाला है उसका श्रेणी के जो विभिन्न पदमूल्य हैं, उनसे दूरी कितनी कितनी है प्रत्येक के लिए वो इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से अलग अलग दूरी उसके बताता है अब अगर हम इसको और अच्छे से समझना चाहें तो हम कुछ अर्थशास्त्रों की परिभाषा भी देख सकते हैं बाउले के के अनुसार, पदों विचरण का माप ही अपकिरण है ब्रुक्स एवं डिक के शब्दों में अपकिरण एक केंद्रीय मूल्य के इधर उधर चल मूल्यों के विचरण अथवा बिखराव की सीमा है काफका के शब्दों में किसी श्रेणी में समांतर माध्य से समंकों के विस्तार के माप को अपकिरण कहते हैं। तो आपने देखा कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं को अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि सभी अर्थशास्त्रियों ने यह माना है कि वास्तव में जब हम माध्य की गणना करते हैं चाहे वो मीन मीडियन या मोड के आधार पर करें तो जो हम फाइंड आउट करते हैं जो हम निकाल कर लाते हैं वो प्रतिनिधि मूल्य होता है और यहाँ पर केवल रुक जाना पर्याप्त नहीं है हमको ये भी चेक करना जरूरी है कि वास्तव में ये जो प्रतिनिधि मूल्य हमने कैलकुलेट किया है वो उस श्रृंखला का उस श्रेणी का कितना प्रतिनिधित्व तो करता है तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो अपकिरण या जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं जिसे हम विचलन की माप भी कह सकते हैं इसका उद्देश्य है क्या है क्यों हम इसके कैलकुलेशन करें तो सबसे पहला इसका उद्देश्य है कि हमको माध्य से औसत दूरी भी ज्ञात कर लेना जरूरी है यानी कि हमने एवरेज वैल्यू तो उसकी बता दी कि ये उसकी एवरेज वैल्यू है लेकिन एक्चुअल में जितने भी सीरीज़ में जो नंबर दिए गए हैं उनसे ये जो हमको एवरेज मिला है उससे उनकी दूरी कितनी है यानी कि डिफरेंस कितना है उसमें विचलन कितना है उसमें ये जान लेना भी ज़रूरी है दूसरा उसका उद्देश्य है कि श्रेणी की जो रचना हम जो सीरीज की जो रचना करते हैं उसका ज्ञान होना आवश्यक है यहाँ पे हम ये देख देखते हैं कि बिखराव कितना ज़्यादा है यानी कि डिफरेंस कितना ज़्यादा है जैसे हमने अभी देखा कि अगर बिखराव कम है तो हम ये मानते हैं कि हमने जो माध्य निकाला है वो वास्तव में आ, सही प्रतिनिधित्व तो कर कर रहा है और अगर बिखराव ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आ, उसका जो प्रतिनिधि मूल्य है वो, वो उसकी वैल्यू जो है वो कम है तीसरे अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो हम देखते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी जरूरी होता है जब दो श्रेणियां होती हैं अलग अलग वेरिएबल्स की दो श्रेणियां होती हैं तो दोनों में विचरण कितना है इसकी तुलना करने के लिए भी कहीं ना कहीं हमको विचलन ज्ञात करना जरूरी हो जाता है उसके बाद हम इसके उद्देश्य को देखते हैं तो यहाँ पर एक रूपता का ज्ञान अगर हमको करना है कि जैसे हमने देखा कि हम दो श्रेणियों में तुलना का अध्ययन करने के लिए भी विचलन की माप को कैलकुलेट करते हैं वैसे ही दो श्रेणियों में एक रूपता क्या है क्या सिमिलरिटी है दोनों में ये चेक करने के लिए भी हमको अपकिरण की कैलकुलेशन करनी पड़ती है अगले इसके उद्देश्य की बात करें तो जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्रतिनिधित्व की गणना देखने के लिए कि वास्तव में जो माध्य हमने कैलकुलेट किया है वो उस पूरी समंक श्रेणी का श्रृंखला का कितना प्रतिनिधित्व कर रहा है ये देखने के लिए भी हमको विचलन की गणना करनी पड़ती है साथ ही हम ये भी देखते हैं कि विचरणशीलता जो है उसको नियंत्रित करना अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है यानी हमने जो मीन कैलकुलेट किया है वहाँ से जो हमारे श्रेणी के मूल्य है अगर उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है तो इसको कैसे नियंत्रित किया जाए ये भी कैलकुलेट करने के लिए हमको अपकिरण यानी विचलन के माप की कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है तो ये तो थी उद्देश्यों की बात अब अगर हम देखें कि वास्तव में जो अच्छा अपकिरण है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए तो इसमें सबसे पहला गुण जो है वो होना चाहिए कि समझने में सरल हो हम ऐसी तकनीक ऐसी विधियों का प्रयोग इसकी कैलकुलेशन में करें कि एक तो हमको उसकी कैलकुलेशन भी आसान हो और उसे हम आसानी से समझ सकें विचरण है प्रतिनिधि मूल्य है विचरण गुणांक है इनका आ, जो कैलकुलेशन है उसे कैसे सरल बनाया जाए कैसे हम उसको बहुत अच्छे से समझ पाए दूसरी बात हम यहाँ पर करते हैं कि गणना को सरल बनाने के लिए कई प्रकार के फॉर्मूलों का प्रयोग करना तो अलग अलग प्रकार के श्रेणियों के लिए अलग अलग प्रकार के फॉर्मूलों का प्रयोग करके हमको गणना को अगर सरल बनाया जा सके तो वो अच्छा कहलाएगा तीसरा यहाँ पर हम देखते हैं इसकी विशेषता कि यहाँ पर ये जो समंक वितरण के प्रत्येक पद जो है उस पर आधारित होने चाहिए अब आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि जब हम एक प्रतिनिधि मूल्य कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसको उसका जो डेविएशन है विचलन है वो हम पूरी श्रेणी के प्रत्येक पद से बारी बारी यानी व्यक्तिगत रूप से अलग अलग हम उसका विचलन ज्ञात करेंगे अगला हम इसके बारे में कह सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि बीज गणतीय दृष्टिकोण से इसमें संशोधन किया जा सके जैसा अभी हमने इसके उद्देश्यों के अंतर्गत देखा था कि जो यहाँ पर जो अपकिरण होता है उसमें विचरणशीलता को नियंत्रित कैसे करें तो अगर उसमें कुछ हेर फेर की कुछ कम ज़्यादा करने की गुंजाइश जब बनी रहेगी तभी हम वहाँ पर विचरण को नियंत्रित कर पाने में सक्षम होंगे तो अभी हम जो देख रहे थे वो था एक अच्छे अपकिरण के की माप अब आइए हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत किस किस तरह के विचरणों का या किस किस तरह के अपकिरणों का अध्ययन हम करेंगे वास्तव में अपकिरण को मापने के लिए जिन रीतियों का हम अध्ययन करेंगे उसे हम दो भागों में बांटेंगे पहली जो रीति है वो है सीमा रीति यानी कि जिसे हम मेथड ऑफ लिमिट्स भी कहते हैं और दूसरी जो रीति है वो है माध्य विचलन रीति यानी कि मीन डेविशन मेथड तो जब हम सीमा रीति का प्रयोग करेंगे तो उसके अंतर्गत हम तीन तरह की कैलकुलेशन करेंगे कौन कौन सी सबसे पहले हम विस्तार यानी कि रेंज फाइंड आउट करेंगे उसके बाद हम अंतर चतुर्थक विस्तार सेकंड हम अंतर चतुर्थक विस्तार यानि कि इंटरकॉटाइल डेविशन फाइंड आउट करेंगे और थर्ड जो होगा उसके अंतर्गत हम शतमक विस्तार यानि कि परसेंटाइल रेंज की कैलकुलेशन करेंगे अब दूसरा जो है जिसके अंतर्गत हम माध्य विचलन रीति से जब हम अपकिरण की कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर हम कौन कौन सी कैलकुलेशन करेंगे वहाँ हम क्वार्टाइल डिविशन यानी कि चतुर्थक विचलन की कैलकुलेशन करेंगे दूसरा माध्य विचलन यानी कि मीन डिविशन की कैलकुलेशन करेंगे और तीसरा प्रमाप विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डिविशन की कैलकुलेशन करेंगे स्टैंडर्ड डिविशन अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और कहा जाए तो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आइए हम सबसे पहले देखते हैं इसका जो पहला मेथड है यानी कि सीमा रीति विधि के अंतर्गत जो पहला मेथड है विस्तार यानी कि रेंज की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है रेंज की कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ हम सबसे पहले जो समंक श्रेणी के कुल मूल्य होते हैं उनको हम छोटे से बड़े क्रम में पहले हम अरेंज कर लेते हैं आरोही क्रम में हम उनको अरेंज कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इस पूरे श्रृंखला में सबसे छोटा मूल्य कौन सा है और सबसे बड़ा मूल्य कौन सा है उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होता है वहाँ पर हम बड़े मूल्य में से छोटे मूल्य को घटा देते हैं यानी कि माइनस कर देते हैं और इस तरह से हम रेंज ज्ञात कर लेते हैं सूत्र के आधार पर और पूरी प्रक्रिया के आधार पर हम इसे बनाने के लिए फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं जो कि होता है R इक्वल टू एल माइनस एस यहाँ पर R मतलब कि रेंज यानी विस्तार L यानी कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीरीज़ इस पूरी सीरीज में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी लार्जेस्ट वैल्यू और S मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ सीरीज़ पूरी सीरीज़ की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी तो एक उदाहरण के तौर पर हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर पाएंगे जैसे मान लीजिए इस पूरी सीरीज़ में हम देख रहे हैं फाइव सिक्स फोर एट फिफ्टीन ट्वेल्व और टेन तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है इस पूरी सीरीज़ में वो है फिफ्टीन और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इस पूरी सीरीज़ में वो है फोर तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें आर इक्वल टू एल माइनस एस यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू तो आर इक्वल टू 15 माइनस फोर इक्वल टू इलेवन इस तरह से हम विस्तार यानी कि रेंज के कैलकुलेशन कर सकते हैं कई बार इस फॉर्मूले को हम आर इक्वल टू एम एक्स माइनस एम आई यानी कि रेंज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि जब R की कैलकुलेशन में जो रेंज का जो अंतर है अगर वो कम है तो जो हमारी श्रेणी है उसको हम ये मानते हैं कि नियमित श्रेणी है और अगर विस्तार ज़्यादा है डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो हम ये मानते हैं कि हम जिस श्रेणी की बात कर रहे हैं जिस श्रेणी पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो अनियमित श्रेणी है तो ये तो बात थी रेंज यानी कि विस्तार के कैलकुलेशन की अब आइए देखते हैं इसका गुणांक अगर हमको साथ में विस्तार गुणांक यानी कि कोफ़िशंट भी कैलकुलेशन करनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्चुअली क्या होता है कि विस्तार गुणांक अब विकिरण का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए ज्ञात किया जाता है तो क्योंकि यहाँ पर तुलना करनी होती है इसलिए हम कुछ इस तरह के फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं यहाँ पर हम विस्तार गुणांक के, के लिए आ, जिस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं उसके लिए हम लिखते हैं विस्तार गुणांक बराबर श्रेणी का सबसे बड़ा मूल्य माइनस श्रेणी का सबसे छोटा मूल्य बटे श्रेणी का सबसे बड़ा मूल्य प्लस श्रेणी का सबसे छोटा मूल्य इसे हम फॉर्मूले के रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं कोफिशियंट ऑफ रेंज इक्वल टू एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस जब हम इसके कैलकुलेशन करते हैं कोफिशियंट की तो हम देखते हैं कि इसका जो आंसर आता है वो या तो एक का आता है या इसकी वैल्यू एक से कम ही हमेशा रहती है तो आइए एक उदाहरण के द्वारा रेंज और कॉफिशेंट ऑफ रेंज की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में विस्तार गुणांक की गणना के लिए यहाँ पर प्रश्न में 11 छात्रों के वजन किलोग्राम में दिए गए हैं जिनके आधार पर विस्तार तथा विस्तार गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें आर एल और एस की आवश्यकता है आर यानी कि रेंज हमको ज्ञात करना है एल यानी कि लोअर लिमिट इस पूरे सीरीज की हम देखते हैं कि 61 है और एस यानी कि स्मॉल लिमिट जो है इस पूरे सीरीज की जो कि 40 है तो यहां पर हम सूत्र लगाएंगे R इक्वल टू एल माइनस एस यानी R इक्वल टू सिक्सटी वन तो R यानी कि रेंज जो होगा वो 21 आ जाएगा अब अगर हमको विस्तार गुणांक, यानी कॉफ़िसिएंट भी अगर इसका निकालना है, तो हम विस्तार गुणांक बराबर L- S अपॉन L S फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हो जाएगा 61- 40 अपॉन 61 40 इक्वल टू 21 अपॉन 101, यानी 0.207 खंडित श्रेणी में विस्तार गुणांक की गणना के लिए दिए गए प्रश्न में प्राप्तांक दिए गए हैं और आवृत्तिया दी गई है यहां पर भी हमको R इक्वल टू एल माइनस एस सूत्र का प्रयोग रेंज यानी विस्तार याद करने के लिए करना है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि L जो है वो 14 है और S जो है वो 4 है तो यहाँ पर हम आर इक्वल टू एल माइनस एस यानी अब अगर हमको विस्तार गुणांक की गणना करनी है तो हम एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस इक्वल टू फोर्टीन माइनस फोर अपॉन फोर्टीन प्लस फोर इक्वल टू टेन अपॉन एटीन इक्वल टू पॉइंट फाइव फाइव निकाल लेंगे अखंड श्रेणी में विस्तार गुणांक की गणना के लिए हम यहाँ पर प्राप्त जो दिए गए हैं वो अखंड श्रेणी में यानी कि क्लास इंटरवल में दिए गए हैं और छात्रों की संख्या दी गई है यहां हमको R equal to L minus S का ही प्रयोग करना है यहाँ हम देख रहे हैं कि L जो है यानी सबसे बड़ी इसकी जो रेंज है वो है फिफ्टी और सबसे छोटी है जीरो तो एल इक्वल टू फिफ्टी और एस इक्वल टू जीरो जब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो r इक्वल टू एल माइनस एस यानी फिफ्टी माइनस जीरोना करेंगे तो l माइनस एस अपॉन एल प्लस एस यानी 50 माइनस जीरो अपॉन फिफ्टी प्लस जीरो टू वन हमको ज्ञात हो जाएगा तो हमने देखा कि किस प्रकार हम विभिन्न श्रेणियों में बहुत आसानी से रेंज और कोफिशेंट ऑफ रेंज के कैलकुलेशन कर लेते हैं अब आइए देखते हैं कि जो ये रेंज है विस्तार है इसके गुण दोष क्या क्या हैं तो अगर हम रेंज के गुण की बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने देखा कि कितने सरल मेथड है कितने आसानी से हम इसकी कैलकुलेशन कर लिए तो पहला गुण तो इसका यही है कि ये बहुत ही सरल मेथड है दूसरा ये कि इसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है जरूरी नहीं कि जिसने बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई की हो जिसने बहुत अच्छे से सांख्यिकी का अध्ययन किया हो या जो सांख्यिकी विभाग का कर्मचारी हो वही रेंज की कैलकुलेशन कर सके आपने देखा कि एक बार में समझने पर आप भी बहुत आसानी से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं तो दूसरी इसकी विशेषता यह इसका गुण ये है कि बहुत आसानी से इसका कैलकुलेशन इसकी की जा सकती है कोई विशेष ज्ञान की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती तीसरे गुण की हम बात करें तो हम देखते हैं कि कैलकुलेशन में टाइम बहुत कम लगता है बहुत आसानी से बिना कैलकुलेटर के बिना समय गंवाए हम बहुत आसानी से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं तो ये इसके कुछ गुण हैं अब अगर हम इसके दोष की बात करें तो हम सबसे पहला दोष इसका देखते हैं कि इसमें सभी पदों का ये प्रतिनिधित्व तो नहीं कर पाता है दूसरा इसके दोष की बात करें तो जो न्यूनतम मूल्य है और जो उच्चतम मूल्य है अगर उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए तो जो प्रतिनिधित्व का जो विचरण है उसमें भी बहुत आसानी से रेंज जो है उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा तीसरे इसके दोष की हम बात करते हैं तो आ, सभी प्रकार की जो मापें होती हैं वो अपकिरण किरण के द्वारा संभव नहीं हो पाती केवल औसत दूरी की जो माप है वो ही हम अपकिरण किरण के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये तो थी अप किरण के गुण दोष की बात अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि अंतर चतुर्थक विस्तार जो कि हमने यहाँ पे दो भागों में बांटकर इसकी कैलकुलेशन देखी जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने विस्तार और विस्तार गुणांक का की कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है ये हमने देखा अब हम देखते हैं कि अंतर चतुर्थक जो विस्तार है इंटरकॉर्टाइल रेंज उसकी कैलकुलेशन हम किस प्रकार करेंगे तो इंटरकॉर्टाइल रेंज की कैलकुलेशन करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो यहाँ पर इंटर कॉर्टाइल रेंज की कैलकुलेशन के करने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है Q3 और Q1 यानी कि क्वार्टाइल वन और क्वार्टाइल थ्री जिसे हम प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक भी बोलते हैं अब क्योंकि पिछले अध्याय में हमने क्वार्टाइल के कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ ली है व्यक्तिगत श्रेणी खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में अलग अलग फार्मूले से अलग अलग विधियों से कॉर्टाइल के कैलकुलेशन हम Q1, Q2 और Q3 थ्री कैलकुलेशन हमने देखा तो यहाँ पर हम सबसे पहले पहले हमने जो देखा है पहले हमने जिन विधियों का प्रयोग किया है पिछले अध्यायों में उसके आधार पर हम Q3 और Q1 वन की कैलकुलेशन कर लेंगे और यहाँ पर हम जिस फार्मूले का प्रयोग करेंगे वो होगा इंटर कॉर्टाइल रेंज इक्वल टू Q3 थ्री माइनस क्यू तो इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे और बहुत आसानी से हम इंटरकॉर्टाइल रेंज या अंतर चतुर्थक विचलन ज्ञात कर लेंगे अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करना चाहें या अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाना चाहें कम समय में इसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो हम स्टेप फॉलो करेंगे सबसे पहले हमारे पास जो श्रेणियाँ दी हुई हैं जो नंबर्स दिए गए हैं उनको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे फिर हम Q1 वन फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद हम Q3 थ्री फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद हम Q3 थ्री माइनस क्यू वन करके इंटर रेंज यानी कि अंतर चतुर्थक विचलन हम ज्ञात कर लेंगे और ये जो अंतर चतुर्थक विचलन है अब क्योंकि वो अलग अलग श्रेणियों में हम कैलकुलेशन करते हैं लेकिन प्रत्येक श्रेणी में इंटर कॉर्टाइल रेंट के जो कैलकुलेशन है उसका फॉर्मूला सेम रहेगा तो आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इंटरकॉर्टाइल रेंज की कैलकुलेशन को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर चतुर्थक की गणना के लिए प्रश्न हमारे सामने दिया गया है व्यक्तिगत श्रेणी के लिए दिए गए इस प्रश्न को सबसे पहले हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे आरोही क्रम में इन्हें व्यवस्थित करने पर कुछ इस तरह का टेबल हमें प्राप्त हो जाएगा अब क्योंकि अंतर चतुर्थक विस्तार के लिए हम फॉर्मूला प्रयोग करते हैं Q3 Q1 तो सबसे पहले हमको यहाँ पर Q1 ज्ञात करना है यानी क्वार्टाइल वन और फिर Q3 थ्री यानी क्वार्टाइल थ्री हमको यहाँ पे ज्ञात करना है Q1 ज्ञात करने के लिए क्योंकि ये व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न है इसलिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइज ऑफ एन प्लस अपॉन फोर्थ आइटम जो कि हो जाएगा इलेवन प्लस अपॉन फोर्थ आइटम यानी ट्वेल्व अपॉन फोर्थ आइटम तो ये हमको मिलेगा साइज ऑफ थर्ड आइटम यानी तीसरा जो आकार है वो हमें प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रम संख्या में जो तीसरा आकार है वहां पर जो वेरिएबल यानी कि चर है, है। वो 18 है, तो Q1 हमको 18 प्राप्त हो गया वैसे ही हम Q3 की कैलकुलेशन करेंगे Q3 की कैलकुलेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइज ऑफ थ्री एन प्लस वन अपॉन फोर्थ आइटम जो कि एन क्योंकि यहाँ पे इलेवन है तो थर्टी सिक्स अपॉन फोर्थ आइटम यानी की नाइन्थ आइटम इस क्रम संख्या में हम देख रहे हैं कि जो नाइन्थ आइटम है उसका वेरिएबल वो जो चर है वो है फोर्टी एट यानी कि हमारा जो क्यू थ्री है वो फोर्टी एट मिल जाएगा क्योंकि हमने Q1 और Q3 दोनों याद कर लिए हैं तो अब हम बिल्कुल श्रेणी में अंतर चतुर्थक की गणना के लिए जो प्रश्न हमारे सामने है उसमें कुछ पद मूल्य दिए गए हैं और आवृत्ति दी गई है इसे हम सारणी के रूप में सबसे पहले परिवर्तित कर लेंगे पहले कॉलम में हम पद मूल्यों को लिख लेंगे पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस पैंतीस और चालीस दूसरे कॉलम में हम आवृत्तियों को लिख लेंगे तीन आठ बारह चौबीस अठारह तेरह सात और तीन यहाँ पर n इक्वल टू एटी एट जो आवृत्ति है वो टोटल हमको प्राप्त होती है अब यहाँ पर जब हम संचयी आवृत्ति यानी सी एफ की कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हम देखते हैं कि थर्ड कॉलम में सी एफ के कैलकुलेशन के लिए हम सबसे पहले थ्री लिखेंगे थ्री प्लस एट इलेवन इलेवन प्लस से हमने संचयी आवृत्तिया ने सी एफ प्राप्त कर ली है अब क्योंकि हमको यहाँ पर Q1 और Q3 की आवश्यकता है तो सबसे पहले हम Q1 ज्ञात करेंगे ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे N हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया था 88 है, तो ये हो हो जाएगा जाएगा जो कि में इसको calculate करेंगे, तो हमको साइज ऑफ ट्वेंटी प्राप्त होगा जिसे हम सबसे पहले जो सी एफ ट्वेंटी थ्री है वहां पर हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि q1 जो होगा उसके सामने का जो पद मूल्य है यानी 23 के सामने का जो पद मूल्य है 15 तो वो यहाँ पर q1 होगा अब अगर हम q3 की बात करें तो q3 के लिए हम उसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे साइज ऑफ 3 into n plus 1 फोर्थ आइटम साइज ऑफ 3 into 88 plus 1 फोर्थ आइटम

Q3 और Q1 दोनों ज्ञात कर लिए हैं तो हम अंतर चतुर्थक विस्तार इंटरकॉर्टाइल रेंज निकाल लेंगे इंटरकॉर्टाइल रेंज इक्वल टू तो क्यू थ्री माइनस क्यू वन यानी थर्टी माइनस फिफ्टीन इक्वल टू तो फिफ्टी अखंडित श्रेणी में अंतर चतुर्थक विस्तार की गणना करने के लिए यहां पर हमको जो प्रश्न दिया गया है उसमें वर्गान्तर दिए गए हैं और आवृत्तियां दी गई हैं। इसे हम पहले एक टेबल में चेंज कर लेंगे जिसमें पहले कॉलम में हम वर्गांतर और दूसरे कॉलम में आवृत्ति लिखेंगे तीसरे कॉलम में हम संचय आवृत्ति की गणना करेंगे और लिखते जाएंगे जो कि सबसे पहले एट एट प्लस थर्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन प्लस फोर्टी फोर्टी प्लस ट्वेंटी फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर प्लस इलेवन सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव प्लस सिक्स एटी वन 81 वन प्लस फाइव एटी ये हमको ज्ञात हो जाएगा यहाँ हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है एन जिसे हम कहते हैं वो 86 है अब क्योंकि हमको यहाँ पर भी इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए फॉर्मूला यूज करना है Q3 थ्री माइनस क्यू वन तो सबसे पहले हमको Q1 और फिर Q3 ज्ञात करना होगा अब क्योंकि ये जो प्रश्न है ये सतत श्रेणी का है कंटिन्यूस सीरीज का है तो यहाँ पर हम पहले क्वार्टाइल uh, वन और क्वार्टाइल थ्री ज्ञात करने के लिए कुछ अलग फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो यहाँ हम सबसे पहले क्वार्टाइल क्लास ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे Q1 वन इक्वल टू साइज ऑफ एंड अपॉन फोर्थ आइटम जो कि हो जाएगा 86 सिक्स अपॉन फोर्थ आइटम यानी कि 21.5 यानी कि 21.5 आइटम अब अगर हम सी एफ में इसको देखें कि ये जो ट्वेंटी है ये किस सी एफ में आता है सबसे पहले तो ये सबसे पहले आता है 40 में तो फोर्टी के सामने 40 के जस्ट सामने का जो वर्गांतर है ट्वेंटी टू थर्टी ये यहां पर इसके क्वार्टाइल क्लास होगी और जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां पर हमें जो फॉर्मूला चाहिए उसमें Q1 वन इक्वल टू एल वन प्लस L2 minus L1 upon F into Q1 minus C. इस फॉर्मूले के लिए हमको L1 यहाँ पे मिल जाता है 20, L2 30, F यानी जो हमने अभी यहाँ पर क्वार्टाइल क्लास ज्ञात की है उसके सामने की फ्रीक्वेंसी यानी 19, Q1 तो ये हमने पहले से ही फाइंड आउट किया हुआ है 21.5 और C मतलब जो हमने क्वार्टाइल क्लास ज्ञात की है उससे एक पहले की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जो कि 21 है इन सभी मान को जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हम देखते हैं कि Q1 ट्वेंटी प्लस टेन अपॉन नाइनटीन इंटू पॉइंट फाइव जो कि हो जाएगा ट्वेंटी प्लस फाइव अपॉन नाइनटीन और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 20.263 इसी तरह हम q3 ज्ञात करेंगे q3 ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्वार्टाइल क्लास निकालेंगे क्वार्टाइल क्लास निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइज ऑफ 3 एंड अपॉन फोर्थ आइटम जो कि हो जाएगा साइज ऑफ 3 86 4th आइटम और ये हो जाएगा साइज ऑफ 258 4th आइटम इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइज ऑफ 64.5th आइटम अब अगर हम 64.5th आइटम की बात करें तो ये देखते हैं कि, कि किस सीएफ में सबसे पहले आता है तो ये 75 वाला जो सीएफ है वहां पर ये सबसे पहले आता है यानी कि इसके सामने की जो क्लास है 4250 ये इसके लिए हो जाएगी क्वार्टाइल क्लास तो यहां पर हम कह सकते हैं कि l1 40 l2 50 इक्वल टू इलेवन सी इक्वल टू सिक्स फोर हो जाएगा इस पूरे मान को जब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें मिलेगा Q3 थ्री इक्वल टू फोर्टी प्लस इलेवन इंटू सिक्स फोर पॉइंट फाइव माइनस सिक्सटी फोर फोर्टी प्लस टेन अपॉन इलेवन इंटू पॉइंट फाइव इक्वल टू फोर्टी प्लस फाइव अपॉन इलेवन और जब इस पूरे को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें Q3 जो है वो 40.46 प्राप्त हो जाएगा इंटरकोर्टाइल रेंज निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो है Q3- थ्री माइनस क्योंकि हमने Q3 और Q1 दोनों ज्ञात कर लिए हैं तो यहाँ पर हम 4046 पॉइंट फोर सिक्स माइनस यानी कि 20.197 IQR यानी कि इंटरकॉर्टाइल रेंज ज्ञात कर लेंगे